हेलो गाइस, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप लोग का टुई दिल्ली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप? और हम कहीं जा रहे हैं गाइस, आपको ब्लॉग में बने रहिए, पता तो चल ही जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। और चलिए बता देती हूँ, मैं पूजा करने जा रही हूँ, आपको बता ही देती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा अच्छा शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, प्लीज़ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और कुछ गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे नहीं आप ऐसे बनाइए, तो मैं ज़रूर उसे फॉलो करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मैं जा रही हूँ, जहाँ जहाँ जाऊँगी तहाँ तहाँ आपको दिखाती रहूँगी। चलिए गाइस चलते हैं, क्योंकि लेट भी हो रहा है, वहाँ पे भाभी लोग इंतज़ार भी कर रही हैं। चलिए ठीक है, बाय। हाँ तो गाइस, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि जा रहे थे पूजा करने, तो मिठाई भी बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम लोग लेने आए थे। हम तो आए थे बस यही देख रहे थे क्या क्या मिठाई रखी है भैया ने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं रखे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तो ऐसे ट्रे खाली ही पड़ा था। लेकिन फिर उस साइड देखे तो उस साइड तो बहुत ही अच्छा अच्छा मिठाई रखे थे, लेकिन हम लोग को अच्छे से क्या ही मतलब है, क्योंकि लेना था तो लड्डू ही, क्योंकि हनुमान जी को तो लड्डू ही पसंद है, तो लड्डू ही लेना था। तो यही 1.25 किलो लड्डू पैक कराने के लिए भैया को बोल दिए थे। भैया ने क्या किए कि भैया ने 15-17 मिनट हम लोगों को फंसा के रखे थे, 15-17 मिनट हम लोगों को फंसा के रखे थे, इतना भीड़ लगा दिए थे। मैं दुकान तो अच्छी खासी थी, लेकिन भैया ने कस्टमर का बोलते हैं जो हेल्पर होते हैं ना रखते हैं दुकान पर, वही नहीं रखे थे, अकेले अपना पैक कर रहे थे, तो देरी तो होगा ही, तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गया था। हम लोग ऐसे बैठे थे, कम से कम 10 लोग वहाँ पर थे मिठाई लेने के लिए। अब ये नहीं होता ना कि एक बोल दो उसके बाद फिर चले जाओ, तो ऐसा अजीब भी लगता है, तो इसकी वजह से सारे लोग यहीं पर बैठे थे। कोई बैठा था, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। भैया अपना मस्ती में अपना पैक कर रहे थे। उस समय हमें बहुत थोड़ा सा गुस्सा आया, बोला इतना जल्दी थोड़ा सा पैक कर देते तो हम लोग भी चले जाते हैं। भाई मेरा भी मन हो गया तो मैं इधर उधर टहलने लगी, इधर उधर आप लोगों को व्यू दिखाने लगी। लोकेशन बहुत प्यारा था, अच्छा था, यहीं पर अपना बहुत देर ले घूमे फिरे, अपना आप लोगों को भी दिखाए, करिए आप लोग भी एंजॉय करिए। बस यहीं पर टहल रहे थे, घूम रहे थे, दिखा रहे थे। लोकेशन बहुत ही प्यारा था। ये ना भैया का कितना अच्छा होगा कि जब अपना मिठाई खाने का मन होगा तब अपना खा लेते होंगे, अब उनको तो खरीदना पड़ता नहीं होगा। ऐश कोई बात नहीं, हम भी अपना दुकान जल्दी ही खोलेंगे, आप लोग भी आइएगा, फ्री में एक एक चखा देंगे, लेकिन हाँ लेकर जाइएगा। अब फ्री में ले देंगे नहीं, लेकिन ज़रूर लोग चखाएँगे। मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, दुकान खोलेंगे तो आप लोगों को ज़रूरी बताएंगे, भगवान का कृपा रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। मेरा यहाँ पर मन उग रहा था तो मैं फिर अब कैमरा उठा कर फिर से शूट करने लगी। अब आप लोग ये मत भूलिएगा कि अपना हाथ उठा करके मिठाई लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पानी था, मैंने वहाँ पर हाथ धुल लिया, क्योंकि 15-20 मिनट तक वहीं पर खड़े वही। यहाँ पर देखिए लोकेशन बहुत प्यारा है, देखिए गोलगप्पा दिख गया, हम लोग गोलगप्पा देख कर भाई लड़कियों के मुंह में तो पानी आ ही जाता है, लेकिन क्या करेगा, इस पूजा करने जाना था तो इसलिए गोलगप्पा खाकर तो जा नहीं सकते हैं। तो बस यही आते समय थोड़ा सा व्यू अच्छा लगा तो शूट कर लिए, बहुत ही लोकेशन प्यारा था। और यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, यहीं से मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, यहाँ पर मंदिर पहुँच गए हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा हनुमान जी का मंदिर है, मैं यहाँ पर ना फरीदाबाद गई थी लगभग, हम अगस्त में आए थे, एक साल पहले है मतलब, तो वही अगस्त में ही हम देखे थे, वो फरीदाबाद के रोड में पड़ते हैं ये, लेकिन मैं यहाँ पर गई नहीं थी। इस रूट से तो मैं 3-4 बार गई थी फरीदाबाद, जो जानते होंगे कि मैं क्यों फरीदाबाद गई थी तो उनको पता ही होगा, जो मुझे जानने वाले हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं जानते हैं तो चलिए मैं इसके बारे में बाद में बता दूँगी। तो मैं इसी रूट से फरीदाबाद गई थी, तो मैं देखी थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर मन्नत भी मान ली,
मांग लिया था, लेकिन हाँ वो मन्नत पूरा हो गया, तो इसलिए सोचे थोड़ा प्रसाद वरसाद चढ़ा दिए। स्थान पे नहीं आए थे, देखे थे दूर से कई बार, स्थान पे कभी नहीं आए थे। तो वही यहाँ पर अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रसाद वरसाद चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अपना प्रसाद वरसाद निकाल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। फिर भगवान मेरी मन्नत पूरी करेंगे तो मैं फिर दोबारा आऊँगी, ऐसे मैंने बोल कर आई हूँ। तो देखते हैं कब पूरा होगा कब नहीं पूरा होगा, वो तो अब भगवान का मर्जी है। लेकिन इस बार पूरा हो गया तो मैं आ गई, अब पूजा भी कर ली। लेकिन अच्छा खासा भीड़ भी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक भीड़ था। मंगलवार था ना, तो इससे थोड़ा और भी ज़्यादा भीड़ था। और रोड पर के हैं, कोई भी आते हैं कोई भी जाते हैं, तो मान लीजिए कोई भी आ ही जाएगा, तो लोग पूजा कर रहे थे, परिक्रमा भी कर रहे थे। हम भी 7 बार हम परिक्रमा किए थे, 7 बार किए थे, उसके बाद बस ज़्यादा नहीं किए थे। अब इस बार परिक्रमा पूरा होगा तो मैं बोल कर आई हूँ करने के लिए। तो अब वो आप लोगों को नहीं बताऊँगी कि कितना करना है कितना नहीं करना है, अगली बार वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को पता खुद ही चला जाएगा। यहाँ पर देखिए व्यू कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। वही रोड से हम लोग जाते थे आते थे फरीदाबाद, लगभग 3-4 बार हम लोग इसी रोड से गए हैं आए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे थे। ये बहुत ही लोकेशन प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर व्यू बहुत ही अच्छा है, पहाड़ी इलाका है, मस्त। देखिए यहाँ पर इतना हवा चल रहा है ना कि मेरे से अगरबत्ती नहीं जल रहा है। मैं बहुत ही कोशिश कर रही थी, अगरबत्ती जल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली बाद में बैठ कर ऐसे बहुत आड़ उड़ करके ऐसे हवा रोक कर तब जाके जला, नहीं तो जल ही नहीं रहा था। बहुत मैं परेशान हो गई थी क्योंकि हवा चल रहा था ना, इसलिए पहाड़ थोड़ा सा ऊपर टाइप के थे, पहाड़ी एरिया भी था। यहाँ पर हवा भी देख रही, मेरा साड़ी भी उधर है, तो ऐसे हवा भी चल रहा था बहुत ही ज़्यादा, इसलिए अगरबत्ती धर नहीं रहा था। अब देखिए वहाँ पर बैठ कर कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं जला, फिर भी नहीं जल पा रहा था। तो अपना वैसे ही फिर बाप तो जल ही गया, अपना पूजा पाठ करके उसके बाद यहीं पर थोड़ा सा बैठे थे, थोड़ा सा अच्छे अच्छे रील्स बनाए हैं। आप लोग देखिएगा जरूर जरूर, प्यार करिएगा, क्या करें गाइस। यहाँ पर ना भक्ति, जितना भक्ति बनाता ना वीडियो चलता ही नहीं है, क्या ही बताया, पता नहीं पब्लिक क्या देखते हैं, समझ नहीं आता। यहाँ पर एक बगल में एक छोटा सा मंदिर और था, तो मैं वहाँ पर गई थी, दर्शन भी कर ली, थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर ली कि आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आप लोगों को भी जो मन्नत मानना होगा वो भी आप लोग मन्नत मान लीजिएगा। लेकिन हाँ, मन्नत पूरा करने के लिए आपको फरीदाबाद आना पड़ेगा। हाँ, मन्नत पूरा हो जाएगा तो फरीदाबाद तो आना ही पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। जब मन्नत पूरा हो जाता है ना, तो लोग कहीं भी जाते हैं कहीं भी आते हैं, तो वो सही रहता है। जब पूरा तो कम से कम हो जाता है ना, जो मानते हैं वो तो पूरा ही हो जाता है। यहाँ भी लोकेशन बहुत ही प्यारा था, यह मैं पहली बार आई थी इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर बहुत ही इन्जॉय की यहाँ पर। यहाँ पर तो मैंने रील्स नहीं बनाया, लेकिन वहाँ पर मैं रील्स बनाए थे मामा के पास, बहुत ही अच्छा था रील्स बनाने के लिए। पता नहीं उसका प्यार भी नहीं दिया है जितना अगड़म पकड़म मेहनत वगैरह बना दो, अगड़म पकड़म को उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई बात नहीं गाइस, चलिए चलते हैं, बाय 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 बाय।